एवरीवन, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे इस वीडियो कंटेंट में। मेरा आज का टॉपिक है व्हाट टू वेयर ड्यूरिंग योर रेकी मेडिटेशन प्रैक्टिस। तो आपको रेकी मेडिटेशन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोगों को क्या पहनना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ही क्लीन होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, लूज फिटिंग होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए। गुड क्वालिटी मटेरियल मतलब कॉटन हो सकता है, लिनन हो सकता है, गुड क्वालिटी सिल्क हो सकता है, या फिर स्पोर्ट्स वेयर भी हो सकता है, जो बॉडी हगिंग होने के बावजूद भी बहुत ही ब्रीदेबल एंड कंफर्टेबल और स्ट्रेचेबल भी होते हैं। सो मेडिटेशन प्रैक्टिस के टाइम जब आपका ऑब्जर्वेशन, जब आपका फोकस, डिटर्मिनेशन सब एक साथ मिल के आपका हायर सेल्फ जो होता है उसके साथ मीट करने के लिए रेडी रहता है, तब आपका कपड़ा आप जो पहन के रखे हो वो आपका डिस्ट्रैक्शन कभी भी नहीं होना चाहिए। और एक बात, जब आप बेसिक लेवल में मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो तो कलर लेके इतना सा ध्यान नहीं लगाना है। मतलब कौन सा कलर का ड्रेस आपको पहनना चाहिए वो बेसिक लेवल पे उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कौन से टाइम कौन सा कलर थेरेपी आपके लिए सुइटेबल होगा। अब मैं बात करूंगी कौन सी चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मोबाइल फ़ोन, वो या तो साइलेंट कर दीजिए या फिर स्विच ऑफ कर दीजिए, वो आपका डिस्ट्रैक्शन का कारण नहीं होना चाहिए। शूज़ पहन के आपको मेडिटेशन में बैठना नहीं है। अगर एकदम खाली पैर आप लोगों को रखने में अनकम्फर्टेबल फील होता है तब आप लोग क्या कर सकते हो, आप सॉक्स पहन लीजिए। इट शुड बी ग्रेट, एटलीस्ट इट कैन बी अ सेकेंड ऑप्शन। और आप लोगों को बहुत ही हेवी ज्वेलरी नहीं पहननी है, रिस्ट वॉच आप लोग छोड़ दीजिए, ग्लासेस भी साइड में रखिए, क्योंकि ये सब का चीज़ों का कोई काम नहीं है, बल्कि ये सब चीज़ें बहुत टाइम पे डिस्ट्रैक्शन का कारण होता है, मतलब कि रीज़न होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टूडेज कंटेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।